टीवी इंडस्ट्री का पॉपुलर शो रहा है। साल 2009 में कलर्स टीवी पर प्रसारित हुआ लगी तुस्सेला कांड, जिसकी कहानी दत्ता भाऊ और नकुशा के इर्द गिर्द घूमती है। जहां नकुशा अपने रूप और रंग की वजह से कई परेशानियों का सामना करती है, तो वहीं उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ तब लेती है जब मुंबई का गुंडा उसके जिंदगी में दस्तक देता है, जो वो अपना दिल दे बैठती है। शो की यही कहानी दर्शकों के दिलों को पहुँचाने का काम किया था। इसी कलाकारों ने आज लोगों के दिलों को भी जीत लिया है। लेकिन दोस्तों, इस सीरियल को खत्म हुए काफी समय बीत चुका है, और इसलिए इन बीते सालों में शो में काम करने वाले कलाकार भी बदल चुके हैं, जिसके चलते आज उन्हें एक नजर में पहचान पाना काफी मुश्किल है। तो इसलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको सीरियल में काम कर चुके कुछ कलाकारों के बदले हुए रूप से रूबरू कराने वाले हैं। फिर आइए एक नजर डालते हैं उन स्टार्स के पर। नंबर एक, रिद्धि डोकरा। जी हाँ, इस लिस्ट में सबसे पहले नाम शामिल होता है अभिनेत्री रिद्धि डोकरा का, जिन्हें शो में सुप्रिया यानी कि दत्ता भाव के रूप में देखा गया था, जिन्होंने अपने इस किरदार से दर्शकों के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। लेकिन अगर बात करें अभिनेत्री रिद्धि डोकरा के आज के बारे में, तो आपको बता दें कि अभिनेत्री आज अपनी 36 साल की उम्र को पार कर चुकी है, जो आज पहले से और भी ज्यादा खूबसूरत और गॉर्जियस नजर आती है। नंबर टू, विनय रोहरा। शो में बाजीराव पाटिल यानी दत्ता भाव के दोस्त के किरदार को पर्दे पर खूबसूरती से पेश करने वाले अभिनेता हैं विनय रोहरा, जिन्होंने भले ही शो में एक सहायक भूमिका अदा की थी, पर दर्शकों ने इनके किरदार को काफी ज्यादा पसंद किया था। और बात करें इनके आज के बारे में, तो आपको बता दें कि आज अपने 35 साल की उम्र को पूरा कर चुके हैं, और इसके चलते आज इनमें पहले से काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिलते हैं। जहां इन्हें शो में कुर्ते पजामे और सादगी भरे अंदाज में देखा गया था, तो वहीं आज ये काफी ज्यादा स्टाइलिश और ट्रेंडिंग कपड़ों में नजर आते हैं। नंबर तीन, स्वाति चिटनिस। इस लिस्ट में एक नाम अभिनेत्री स्वाति चिटनिस का भी शामिल है, जिन्हें शो में आई साहेब के किरदार में देखा गया था, जो इस किरदार के लिए दर्शकों द्वारा काफी ज्यादा तारीफें भी हासिल कर चुकी हैं। लेकिन अगर बात करें दमदार अभिनेत्री के आज के बारे में, तो आपको बता दें स्वाति चिटनिस आज अपने 56 साल की उम्र को पूरा कर चुकी है, पर आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि लेकिन शो में साड़ी और माँ के लिबास में नजर आने वाली अभिनेत्री स्वाति अपने पहले से ज्यादा काफी स्टाइलिश हो चुकी है। नंबर चार, माही विज। शो में नकुशा के मुख्य किरदार को खूबसूरती से पर्दे पर पेश करने वाली अदाकारा है माही विज, जिन्होंने शो में अपनी अदायगी से खुद को घरेलू नाम बना लिया था, और आज भी दर्शकों के दिलों में अपने किरदार से बसी हुई है। लेकिन अगर बात करें इनके आज के बारे में, तो आपको बता दें माही विज आज अपनी 38 साल की उम्र को पूरा कर चुकी है, और वर्तमान में इनकी खूबसूरती पहले से और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। आज ये सूट सलवार में नहीं बल्कि काफी ज्यादा खूबसूरत ड्रेसेस में नजर आती है। नंबर पांच, मिशाल रहेजा। इस लिस्ट की आखिरी कड़ी में अपना नाम शुमार कराने वाले अभिनेता है मिशाल रहेजा, जिन्हें शो में दत्ता भाव के किरदार में देखा गया था, जिन्होंने अपने किरदार से खुद को काफी ज्यादा पॉपुलर बना लिया था। लेकिन अगर बात करें अभिनेता मिशाल रहेजा के आज के बारे में, तो आपको बता दें कि आज अपनी 38 साल की उम्र को पार कर चुके हैं, पर ये आज भी पहले की तरह काफी ज्यादा हैंडसम नजर आते हैं, और इनका स्टाइल आज पहले से भी ज्यादा बदल चुका है, जिसके चलते आज इनकी फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा बदल चुकी है। दोस्तों, इन कलाकारों के बदले रूप के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं, और साउथ इंडियन इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही और मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।